हेलो बच्चों, वेलकम टू दिशा हिंदी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन आवर लेबोरेटरी। उसके लिए हमें चाहिए टेस्ट ट्यूब, डिलीवरी ट्यूब, ग्लास ट्रॉफ, कैंडल, सोप वाटर, बैलून, थ्रेड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक ग्रैन्यूल्स। हम यहाँ पर टेस्ट ट्यूब स्टैंड लेंगे, जिससे कि हम टेस्ट ट्यूब अटैच कर रखेंगे। उसके बाद में उसके अंदर जिंक ग्रैन्यूल्स और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड 5 ml डालकर रखकर उसको ऊपर से कॉर्क से बंद कर देंगे। कॉर्क के बीच से हम डिलीवरी ट्यूब लेंगे, जिसे हम ग्लास ट्रॉव में सस्पेंड करके रखेंगे और ग्लास ट्रॉव में सोप वाटर डालकर रखेंगे। जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक ग्रैन्यूल्स के बीच में रिएक्शन होगा, तब वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करेंगे। जब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, वो डिलीवरी ट्यूब के द्वारा सोप वाटर में आएगी। सोप वाटर में बबल्स दिखाई देंगे, तब हम कैंडल को इग्नाइट करके उसे गैस बबल्स के नज़दीक ले जाएंगे। जब भी हम गैस बबल्स को कैंडल के नज़दीक ले जाएंगे, तब वहाँ पर पॉपअप साउंड होगा और कैंडल और बहुत ज़्यादा बर्न होना शुरू होगी, जिससे कि हमें पता लगता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस है। अगर हमें हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करना है, तो हमें डिलीवरी ट्यूब के एंड पे, जहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगा, वहाँ पर बैलून को थ्रेड से बांध कर रखना है। जब भी गैस रिलीज़ होगा, वो बैलून के अंदर जाएगा और बैलून स्वेल होगा। इससे हमें पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस जो है कलेक्ट हो रहा है। आफ्टर कलेक्शन हम उस बैलून को थ्रेड से बांध कर रख देंगे, जिससे कि हाइड्रोजन गैस बाहर ना जा सके। थैंक यू बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।